यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पा चुके विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर और मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बनी हुई कामसूत्र के आसनों को दर्शाती हुई मूर्तियों का पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। खजुराहो के सभी मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बनी कामसूत्र के विभिन्न आसनों को दर्शाती मूर्तियों का यह वीडियो 4 वीडियो की एक कड़ी है। बाकी 3 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन 4 वीडियो में हमने खजुराहो की कामसूत्र आसन को दर्शाती हुई मूर्तियों का बेहद पास से वीडियो बनाया है। इन 4 वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने खजुराहो घूम लिया हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन 4 वीडियो को देखें और अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें। दोस्तों, आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को पूरे देश में आपकी तरह फैलाएं, व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर हर भारतवासी तक पहुंचेगी और हर हिंदुस्तानी को ये वीडियो दिखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे और ये एकदम फ्री है। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बनर्जी, आज मैं खजुराहो में हूँ। ईस्टर्न का जो दूसरा अपना पहला टेम्पल है, जो विष्णु का अवतार है, तो आपको मैंने मंदिर के अंदर लेके आया। मंदिर का बाहर का देखेंगे, मंदिर के अंदर दिखाऊंगा। इसके बाद ईस्टर्न का मैं दूसरा टेम्पल आपको दिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग साउथ पे चलेंगे। तो ये सिमिलर ही टेम्पल है, बट जैसा वेस्टर्न के अंदर कैसा है, एक कंपाउंड के अंदर 7 टेम्पल था। अभी ईस्टर्न में ऐसा नहीं है, ईस्टर्न में अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्पल्स है। तो ये मेरा पहला टेम्पल है, तो फिर आगे चल के देखते हैं भाई के टेम्पल्स किधर है, कैसा है। खजुराहो एक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ मंदिरों के गांव के रूप में भी विख्यात है। यहाँ के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं, जिन्हें मध्य भारत के चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाया था। चंदेल राजाओं ने 9वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान यहाँ राज किया था। वर्तमान में प्राचीन 85 मंदिरों में से मात्र 22 मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजुराहो के बारे में सबसे खास बात यह है कि कामकला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और देवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो में अनेक मंदिर हैं। ये सभी मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित हैं। सभी मंदिर की बाहरी दीवारों पर स्त्री और पुरुष की संभोग क्रिया में लिप्त मूर्तियां बनी हुई हैं। गौर से देखने पर बीच बीच में विष्णु जी और शिव जी के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इन मंदिरों के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है कि आप सबसे पहले मंदिर के चारों ओर घूमकर सभी काम क्रीड़ा में लिप्त और प्रेम आलिंगन करती हुई मूर्तियों को देखें और जब आपका मन भर जाए तब मंदिर के गर्भगृह में घुसें और भगवान के दर्शन करें। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार हराने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाहरी दीवारों पर सुर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता और प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में अंकित हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती हैं। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन और चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ संभोग मुद्रा में नजर आता है। प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति में राजा चंद्रवर्मन को सिंह से लड़ते दर्शाया गया है। ए, पीछे का जैसा आपको मैंने ईस्टर्न ग्रुप के अंदर पहला टेम्पल दिखाया मैंने आपको विष्णु जी का, इसके बाद मैं आपको दूसरे टेम्पल पे लेके जा रहा हूँ जो यहाँ से वॉकिंग है। रास्ते में आते आते मैंने आपको, जब इधर आ रहा था उस टाइम पे मैंने आपको रास्ते में अपने देखा रहेगा, वो ब्रह्मा टेम्पल था। तो टेम्पल्स काफ़ी ख़राब हो गए, 22 टेम्पल मुश्किल से बचे हुए हैं, उसमें भी कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं कि अभी आप मुझे देखोगे मैं तो ऐसे कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ।
तो एक टेंपल है जो मेन, जो टेंपल्स अगर आप अपना खजुराहो में आपको मेन टेंपल्स देखना है तो आपका मेन टेंपल वेस्टर्न के ही है। वेस्टर्न ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे टेंपल्स हैं जो देखने लायक है, उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया है। बाकी ईस्टर्न के अंदर बहुत दूर 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 एक आध टेम्पल है। ये जो मैं आपको तीन टेम्पल बता रहा हूँ, विष्णु अपना ब्रह्मा जी का और ये वाला जो है मैं देख लेता हूँ कौन सा है, तो ये हिंदुज़म का है। और इसके अलावा जैनिज़म का तीन चार टेम्पल है जो वो भी ईस्टर्न में ही आता है बट वो अलग जगह पर आता है। तो पहले अपना जो हिंदुज़म के तीन टेम्पल देख लेते हैं, फिर अगर होता है तो हम जैनिज़म के टेम्पल भी देखेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको शायद से दिख रहा है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप रास्ता देखेंगे तो मैं ऐसे ही रास्ते से लेके जा रहा हूँ जो एक्चुअली रास्ता नहीं है, मैदान है गांव का। ये तो टेंपल तो बंद है, अभी बंद क्यों है वो तो नहीं पता। बंद नहीं था, जस्ट कड़ी लगाया हुआ है। तो अभी हम लोग टेम्पल में जाएंगे, तो टेम्पल आप ये देख सकते हो। तो आगे हम लोग ईस्टर्न के जो टेम्पल से बहुत दूर दूर अलग अलग जगह पे है। तो अभी इसके आजू बाजू में जो दूसरा टेम्पल है जो मैंने आपको विष्णु का दिखाया था वो काफ़ी दूर था, उसके बाद ये वाला टेम्पल है। इसको प्रॉपरली बाउंड्री किया गया है, इसको थोड़ा सा इन्होंने प्रिजर्व करने के लिए ये सारा चीज किया हुआ है उन्होंने। ये टेंपल है जवारी टेंपल, दिस टेंपल बिल्ट बिटवीन सिर्का 1075 टू 1100 एडी एज वेल एज। इसके अंदर सारा चीज है, मैं आपको भेज देता हूँ। अब यह दृश्य चंदेलों का राजकीय चिन्ह बन गया था। लगभग सभी मंदिरों की दीवारों पर कहीं कहीं एकल तो कहीं कहीं सामूहिक संभोग करती मूर्तियां वात्सायन के कामसूत्र में वर्णित और चित्रित संभोग के अनेक आसनों का बोध कराती हैं। सामूहिक मैथुन के दृश्य तो दर्शकों के मन में एक अलग तरह का कौतूहल पैदा करते ही हैं, किंतु पशु मैथुन के गिने चुने दृश्यों का रहस्य समझ से परे है। खजुराहो मंदिर चंद्रवंशियों द्वारा बनवाया गया, ये लोग चंद्रमा के उपासक होते थे। चंद्रमा और स्त्री का आपस में काफी गहरा संबंध होता है। उन लोगों के लिए ऐसे किसी मंदिर की कल्पना करना भी मुश्किल था जिसमें स्त्री शामिल ना हो। मूर्ति शिल्प की उत्कृष्टता यह भी दर्शाती है कि ये मैथुन मूर्तियां किसी तरह के पूर्वाग्रह या कुंठा से उपजी हुई रचनाएं नहीं है, लेकिन ऐसे दृश्यों का उत्तर ना तो मंदिर की दीवारों पर और न किसी शिलालेख पर लिखा है। सूर्यास्त हो जाने के बाद आपको इस स्थान को देखना चाहिए। अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप इस जगह को पूर्णिमा की रात को देख सकें, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ के पत्थरों में जादू नजर आएगा। यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ का शिल्प, सब कुछ आपको असाधारण लगेगा। ये मंदिर में जैसा आपने देखा जो मूर्ति है उसका सर ही नहीं है, और इसके अलावा जो बाकी जो भी मूर्ति है सबका सर अपना तोड़ा गया है या निकाल दिया गया है या उसको खुरद रख के ऐसा खराब कर दिया गया है, तो थोड़ा सा अजीब था। बट इस मंदिर के भी आजू बाजू में थोड़े बहुत स्कल्पचर्स हैं, थोड़े बहुत स्टोन आर्ट्स किए गए हैं जो भी काफ़ी टूटे फूटे हैं। आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, एक बार देख लो। जिस तरह से इसे बनाया गया है यह वाकई जादुई एहसास देगा। हमारी संस्कृति ने लज्जा का दिखावा करना कभी नहीं जाना। खास तौर पर चंद्रवंशियों ने अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। उन्हें लगता था कि इंसानी शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छिपाने लायक हो या जिस पर इंसान को शर्म आनी चाहिए। हाँ, इतना अवश्य था कि उनका धर्म उन्हें नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देता था।
दोस्तों कामुकता हमेशा से मानवता का एक हिस्सा रही है। तो दोस्तों ये था जवारी टेम्पल, इसके आगे जो ब्रह्मा टेम्पल कर लिया हम लोगों ने, विष्णु टेम्पल कर लिया है, जवारी टेम्पल था ये भी हम लोगों ने ईस्टर्न में कर दिया। तो हिंदुज़म के जो तीनों टेम्पल थे ये कम्प्लीट हो गए। तो अभी इसके अंदर जो जैनिज़्म के जो टेम्पल्स है वो बाकी है, बट अभी कौन से साइड में है आई डोंट नो। मैं कोई रिक्शा है या ऑटो वाले को पूछ लेता हूँ, अगर उसको पता रहेगा तो डेफिनेटली विल गो। एंड भाई का भी जो चीज़ है विल ट्राई, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 5:30 बजे तक सारे मंदिरें बंद हो जाती हैं, उसके पहले ही जो भी है मुझे करना है। इज़ अराउंड 4 बज रहा है, तो 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटे में जितना कवर कर सकेंगे करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे फोक डांस शो में। तो चलिए अगले मंदिर में फटाफट जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये ईस्टर्न ग्रुप का लास्ट था जो जैन टेम्पल्स है इसके अंदर, काफ़ी सारे जैन टेम्पल है, मैं आपको अंदर लेके चल के दिखाऊंगा। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो कि पूरा के पूरा उन्होंने एक तीर्थ स्थान बना के रखा है जैनिज्म का। बट एक चीज़ मेरे को इसके अंदर थोड़ी सी अलग लगी कि यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे वो स्कल्पचर्स नहीं है जो अपने नॉर्मली पहले के टेम्पल्स में देखे, जो हिंदू टेम्पल्स में देखे, बट यहाँ पे जो जैनिज्म के अंदर जो स्कल्पचर्स है एकदम क्लीन है। इसके अंदर नॉर्मली देवी देवता है, महावीर जी है, ये लोगों का है। तो ये दोनों में स्कल्पचर में अपना जो भी स्टोन आर्ट्स भी जो किया गया, जो स्टैचूज है थोड़ा थोड़ा अलग है। और इसके अंदर और एक चीज़ था जो मैंने बाकी के टेम्पल्स जो देखे, वेस्टर्न में भी बोलो ईस्टर्न में बोलो, जो हिंदू टेम्पल्स है उसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई भी भगवान के अंदर कोई दिया बाती फूल कुछ ऐसा है ही नहीं। पर इसके अंदर आपको जो जैन टेम्पल्स है इसके अंदर हर एक टेम्पल के अंदर आपको एक दान पेटी, एक दिया और साफ़ सुथरा, और उसके अंदर आपको पानी, ये सब चीज़ उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये मंदिरों के अंदर से जो अपना भगवान है उसका भी देखभाल कर रहे हैं, बाकी टेम्पल्स में तो नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न रहेगा। आप भले इसके रीज़न आप ढूंढ के मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या रीज़न है जो खजुराहो के मंदिरों में पूजा नहीं होता है, बट जैन टेम्पल्स के अंदर होता है, जैन टेम्पल्स के अंदर क्यों होता है और बाकी हिंदू टेम्पल्स के अंदर क्यों नहीं होता है, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। इसी वजह से हमारा अस्तित्व है। अगर गुफा में रहने वाले मानव ने इसे त्याग दिया होता तो आज हम नहीं होते, ये हमेशा से है और रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह आपकी चेतना पर हावी हो जाए। अगर यह चेतना पर शासन करने लगेगी तो आप एक ऐसे मजबूर प्राणी बन जाएंगे कि आपके और किसी जानवर के बीच कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। आप महज एक जैविक प्रक्रिया बन जाएंगे, आपके भीतर किसी और चीज का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। कामुकता और भौतिकता को कम करें। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद आपकी भौतिकता कम हो जाती है, इसलिए हर मंदिर में ठंडे पानी का एक सरोवर होता है जिससे कि आप उसमें डुबकी लगा सकें और मंदिर में जाने से पहले आपके भीतर की भौतिकता हल्की हो जाए और वहां आप कुछ खास तरह के अनुभव कर सकें। खजुराहो एक और बात दर्शा रहा है कि कामुकता केवल बाहर होती है। प्रवेश करने से पहले आपको अपनी कामुकता को, अपनी भौतिकता को नीचे लाना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, आप बस मुंह बाएं देखते रह जाएंगे। मंदिर को आपके विकास और बेहतरी के लिए एक पूरी प्रक्रिया से बनाया गया है। जब आप बाहरी घेरे में जाते हैं तो आपकी सारी कामोत्तेजक सामग्री नजर आती है, जितना देखना चाहते हैं देखिए। अगर यह सब आपके मन पर बहुत ज्यादा छाया हुआ है तो मंदिर के भीतरी हिस्से में प्रवेश ना करें, वापस घर जाइए और जो करना है कीजिए और तब लौट कर आइए। बाहरी हिस्से को भरपूर देख लेने के बाद जब आपको महसूस हो कि अब आप तैयार हैं, तब आपको अंदर जाना चाहिए। अगर बाहरी क्षेत्र को देखने से आपकी तृप्ति नहीं हुई है और अगर आप अंदर चले भी जाएं, आंखें बंद करके बैठ भी गए, तो भी आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। आप अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को तभी संभाल पाएंगे जब आप उनके महत्व को समझेंगे। हमारी संस्कृति बाकी संस्कृतियों से कैसे बेहतर है, जब हम इसे जानेंगे समझेंगे तभी इसे अपनी अगली पीढ़ी को दे पाएंगे, ताकि वो इस पर गर्व कर सके और अपनी धरोहरों को संभाल सके। दोस्तों आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को पूरे देश में आपकी तरह फैलाएं, व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर हर भारतवासी तक पहुँचेगी और हर हिंदुस्तानी को ये वीडियो दिखेगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करें, इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दें। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स के अंदर खजुराहो में दो समूह हैं, एक हिंदुज़म एक जैनिज़्म। हिंदुज़म का मैंने आपको टेंपल्स दिखाया जो ब्रह्मा टेंपल था और अपना जो जवाहर टेंपल था और एक अपना आपको विष्णु का टेंपल था, विष्णु जी का, और तीनों मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं आपको लेके आया इस जैनिज़्म टेंपल। एक कंपाउंड के अंदर करीबन 4 से 5 टेंपल्स हैं, जो आदिनाथ टेंपल, पार्श्वनाथ टेंपल, महावीर टेंपल, ये सारे टेंपल्स यहाँ पे है एक साथ में। इन्होंने इसको एक अच्छी तरह से एक तीर्थ बना के रखा है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ अलग से बनाया इन्होंने दूसरे टेंपल्स उसके अंदर, और ये पूरा के पूरा एक जैनिज़्म का तीर्थ बन गया। तो ये हो गया दोस्तों खजुराहो के सारे टेंपल्स का कंप्लीट हो गया। नाउ मैं आपको लाइट शो और आपको डांस, फॉग डांस वो दिखाता हूँ। उसके लिए मैं जाने वाला हूँ अभी, इज़ अराउंड 5 o'clock, 6:30 को मुझे वहाँ पे पहुँचना है। वो वेस्टर्न टेम्पल्स के बाजू में ही है। उसके बाद मैं फिर आपसे वापस से बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। मैं प्रदीप बैनर्जी, आप अपना ख्याल रखें।